कश्मीर विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि तीसरे चरण के लिए राज्य की 40 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। पहले दो चरण में 50 सीटों पर मतदान हो चुका है। मंगलवार को जिन 40 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं उनमें 24 सीटें जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग की 16 सीटें हैं। मुड़ा मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। बेंगलुरु के स्पेशल कोर्ट के आदेश के बाद मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण मामले में लोकायुक्त ने जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने इस मामले में सिद्धारमैया और अन्य के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद 27 सितंबर को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक और अन्य लद्दाखियों की हिरासत को अस्वीकार बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लद्दाख की आवाज़ सुननी होगी। वांगचुक ने लद्दाख के लगभग 120 लोगों के साथ मिलकर केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची का दर्जा देने की मांग करते हुए राजधानी दिल्ली तक मार्च किया था। दिल्ली पुलिस ने उन्हें राजधानी की सीमा पर हिरासत में ले लिया है। पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश रुद्र प्रकाश मिश्रा के 10 महीने से बकाए वेतन पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए बिहार सरकार को आदेश जारी किया है। उन्होंने जज के वेतन का भुगतान जल्द जारी करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा कि किसी न्यायाधीश से बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती। झारखंड चुनाव से पहले प्रदेश का सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने झारखंड में कहा कि भाजपा सरकार बनी तो दीदियों को 2100 रुपए प्रतिमाह देगी। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की खामियों को गिनाया और मैया योजना को ठगने का प्रयास बताया। सरमा ने कहा कि भाजपा जो वादा करती है उसे पूरा करती है। हम लोगों की सरकार बनते ही महिलाओं के कल्याण के लिए काम करना शुरू कर देंगे। अम्बाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार अनिल विज ने कहा कि हम इतने दिनों से कह रहे हैं कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं है, इतनी बड़ी नेत्री कुमारी शैलजा का सम्मान नहीं है। राहुल गांधी को मंच पर आकर कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ मिलाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब कुछ न कुछ तो है। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं, किसी भी चुनाव में जाते हैं, उनकी अपनी पार्टी की क्लीन स्वीप हो जाती है। डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए जम्मू के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। वोट डालने के बाद वो अपनी स्याही लगी उंगली दिखाते नजर आए। इतना ही नहीं, साथ ही उन्होंने लोगों से वोट देने की अपील भी की। दिल्ली सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। इस बीच दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय ने गोकलपुरी इलाके में सड़कों की स्थिति का निरीक्षण किया। दरअसल गोपाल राय दिल्ली की सड़कों की स्थिति देखने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ कई अधिकारी भी मौजूद रहे। ये तस्वीरें दिल्ली के गोकलपुरी इलाके से है। कोलकाता कांड को लेकर सियासी बवाल मचा है। इस बीच कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर केस में न्याय सहित कई मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर फिर से पूर्ण हड़ताल पर चले गए। ऐसे में आज सुबह से राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल शुरू हो गई है। आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने राज्य सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में बनी जामा मस्जिद को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू संगठन मस्जिद को गिराने की मांग पर अड़े हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि मस्जिद वैध है। देवभूमि जागरण मंच ने सोमवार को करीब 3 किलोमीटर तक धर्म जागरण यात्रा निकालकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है।